हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए गेम प्ले में। और इस बार मैं उतरता हूँ मिलिट्री बेस। वेल, जैसा आप देख पा रहे हो, उतरने में काफ़ी लेट कर गया मैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि टावर पे भाग जाऊँ। और टावर पे जाने के लिए मैं अपने पैराशूट को थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक फ्लाई करते हुए ले जाता हूँ और मैं फाइनली टावर के पास उतर जाता हूँ। चारों तरफ गोलियाँ चल रही थी। मिलिट्री बेस मुझे वसेपुर की याद दिला रहा था। मैं टावर के ऊपर भागता हूँ ताकि मुझे कोई गन मिल जाए। और मेरे हाथ लगती है S12 के, और जैसे ही मेरे हाथ S12 के लगती है, एक बंदा भी आ जाता है दौड़ता हुआ, कहता है मार लो भाई मुझे। तो देखो, ए राजू हट जा बाजू, इनको हम फिनिश कर देते हैं यहाँ। तभी मुझे बंदा नीचे भागता हुआ दिखता है। मैं सोचता हूँ S12 के से ही उस पर ऊपर से अटैक कर दूँ, और मैं उस पर अटैक करके उसे मार देता हूँ। देखो, गोली पर रिलोड कर लेते हैं और दूसरा तोप का निशाना लगाया जाए और महाशय ढेर। मेरी गोली खत्म हो गई, चारों तरफ गोली चल रही, और मेरे पास बचा है क्या? पिस्टल। चलो अब यहाँ से उतरते हैं, जो कुछ भी लूट मिलता है हाथ में लपेट लेते हैं और फिर यहाँ से भागते हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि क्यों ना लूटने के लिए मैं उनके कैरेट्स पे जाऊँ, उनके डब्बे में से कुछ लूट लूँ, ताकि उनके पास भी कोई ना कोई गन तो होगी ही। और यही सोचकर मैं उसकी तरफ भागता हूँ नीचे उतर कर। भाई देखना, यहाँ जैसे ही मैं इस बंदे के डब्बे को लूट रहा होता हूँ नीचे, तभी मुझ पर एक बंदा अटैक कर देता है, और जो मुझ पर अटैक करता है उसे कोई और फिनिश कर देता है। देखो भैया, सामने से अटैक किया, मैं कवर लेके गया और तब तक हरा धुआं। अब यहाँ पे दो बंदे होते हैं जो आ रहे होते हैं, मुझे वो दिख रहा है, उनको फायर करता हूँ और उसमें से एक वहाँ से भाग जाता है। मेरे पास गोलियाँ कम थी, स्कोप भी नहीं था, इसलिए मैं नेट लेके नेट कुक करता हूँ और उनके ऊपर फेंक देता हूँ। एक तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, नॉक हो जाता है, और दूसरा छिपा हुआ था तो मैं रस कर जाता हूँ। चलो फिलहाल गन चेंज करना ज़रूरी है, इससे रस नहीं होता, इससे होता है। और ये बंदा अब मेरे पास लूटने के लिए कमी नहीं है, मैं इनके ऊपर जाके इनके डब्बों में से, इनके लाश में से मैं अच्छे खासी चीज़ें लूट लूँगा। अब यहाँ पे मुझे मिलती है M416, और जो भी पबजी खेलते हैं मेरे ख्याल से मोस्टली का M416 फेवरेट गन होगा। मैं AKM ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और M416 ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब यहाँ से उठ के मैं उस पुलिस स्टेशन वाले बिल्डिंग में जाऊँगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा लूट सकूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, पबजी में लूट के सब भूखे होते हैं, और मैं तो ख़ास तौर से, वैसे भी अभी ज़्यादा एमओ है नहीं मेरे पास, लेकिन यहाँ होता क्या है कि जैसे ही मैं इस घर के अंदर जाऊँगा, मुझे फुटप्रिंट्स नहीं लेकिन साउंड्स ज़रूर आने लगते हैं, और यहाँ पर पहले ही से दो बंदों की पेटी बन चुकी है। मैं पट से बाहर निकलता हूँ और एक नोब की तरह सोचता हूँ यहाँ जाके लेट जाऊँ, ताकि वो मुझे न देख पाए। फिर मन में क्या आता है मुझे नहीं पता, और मैं कहता हूँ नहीं भाई, लेटने से कुछ होगा नहीं, चलो चल के उनका सामना करते हैं। और यही सोचकर मैं खड़ा हो जाता हूँ, और मुझे गेट से एक बंदा दिख भी जाता है। देखो ये रहा बंदा, आपको भी स्पॉट हो ही रहा होगा, और मैं उसे अटैक कर देता हूँ। वो तो नॉक हो गया, और मैं उसे पूरा कम्प्लीटली फिनिश करने के लिए जैसे ही अंदर जा रहा था, मुझे दूसरा फुटप्रिंट आ जाता है। भाई मेरी तो जान हलक गई थी, लेकिन ये दूसरा बंदा शायद डैमेज ले रखा था, इसलिए मेरी एक दो गोली लगते ही ख़त्म हो गया। अब मैं मज़े से लूटूंगा राजाओं की तरह, क्योंकि यहाँ कोई और होगा नहीं। ओ भैया, कतई इस बिल्डिंग को शमशान बना दिया, हर जगह लाशों की पेटियाँ दिख रही है। वेल, अभी मैं मिलिट्री बेस में लूट ही रहा था, ये छोटे छोटे जो सैक हाउस है, जिसमें मतलब एक बंकर की तरह समझो, यहाँ पे मुझे एक पेटी दिखती है। मुझे लगता है शायद कोई बंदा आसपास होगा। मैं TPP ले रहा होता हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता है, मैं जाके आराम से डब्बे में लूटता हूँ। और पता नहीं जो भाई साहब ये हैं, ये कौन सा चरस गांजा का नशा करके आए थे, मिला ना कुछ, और ये मुझे ऐसे ही ढूंढ रहे थे आरती उतारने के लिए। और लेकिन अच्छा है कि इन्होंने मुझे 4x और कई सारी गोलियाँ दे दी।
अब जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, मुझे साइड से सी बिल्डिंग से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए मैं सी बिल्डिंग पे देखने लगता हूँ। तभी ध्यान में आता है कि मैं होलो से चेक कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने गन पे 4x लगा लेता हूँ। चलो 4x चेंज कर लूँगा, और तभी साइड से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और मैं वहाँ देखता हूँ एक गाड़ी गुजरी और दो बंदे फाइट कर रहे हैं। चलो थोड़े डैमेज बटोर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और एक बंदा मुझे साइड से दिखता है, मैं उस पर अटैक करता हूँ पर उसे गोली लगता नहीं है। वो बंदा सोचता है कि यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ उसे भागने नहीं दूंगा और मैं सामने वाली जो बिल्डिंग है उसके पीछे से उसे घेरने की कोशिश करता हूँ। और वो बंदा बाहर नहीं निकलता है, मैं स्कोप खोल के चेक भी करता हूँ, नहीं बाहर निकलता है, इसलिए मैं बिल्डिंग के पीछे की साइड चल देता हूँ। जैसे ही मैं पीछे की साइड चलता हूँ, मेरे दिमाग में एक शरारत सूझती है और मैं उस पर नेट करने की सोचता हूँ। और नेट भी देखो कितना कमाल का करता हूँ, मैं नेट दीवार पे ही फेंक देता हूँ, उसे तो नेट लगता भी नहीं है। और भाई इससे साबित होता है कि मैं कितना बड़ा नूब हूँ। तो जो कोई भी मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और देख मुझे यहाँ पे गन फायर मिलता है और मैंने डैमेज बटोरा, बट वो बंदा छिप गया और वो यहीं पे से गया हुआ बंदा था जिसे मैं उस समय ढूंढ रहा था, ढूंढने के लिए यहाँ आया था, ये वही बंदा है। चलो मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है कि क्यों ना जो दो बंदों का ढेर बनाया है उसे लूट लेता हूँ, और मैं उसे लूटने के चक्कर में ऊपर जाता हूँ और उस पेटी के पास पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और उसी समय मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से TTP भी लेने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मुझे ये बंदा दोबारा दिख जाए। तो यहाँ उठक बैठक मैंने बहुत कर ली है, भैया चल लो अब। जैसे ही मैं गया, देखो यहाँ पे गाड़ी दिखी, भ्रम हुआ, बट यहाँ कुछ था नहीं, सब मोह माया है, सब मोह माया है। यहाँ से मैं TTP लेता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ स्कोप ओपन करके, मुझे कुछ नहीं दिखता है। फिर मैं वहाँ पे दो जो डब्बे बने हुए बंदे उनके डब्बों में लूटने चला जाता हूँ। खैर यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, सब चीज़ मोह माया है। इस बंदे को लूटने का अगला क्रेट पे जाऊँगा, और मुझे पता था, अंदर से लग रहा था कि वो बंदा बाहर से निकल के मुझ पर अटैक करेगा, और देखो उसने अटैक कर दिया। भाई मैं यहाँ पे 4x निकालूँगा और उसे मारूँगा। देखिए ये गया, गोली नहीं लगी मेरी, एक गोली उसे नहीं लगी। आप लोगों में से कितनों को लग रहा था मैं इसे मार दूँगा? ये वाला गेम प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस गेम प्ले के ख़त्म होने के साथ साथ आपको एक और बात बता दूँ, मैंने जब से अपना चैनल बनाया है और ये रॉयल पास 13 आ चुका है, तो मैंने जब से अपना चैनल बनाया है और मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, तब से ऐसा हो रहा है कि चिकन डिनर उस मैच में मिल रहा है जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि मैंने रॉयल पास 13 खरीद लिया है और अपना पैसा बर्बाद कर दिया है। गाइज ये गिव अवे आप लोगों के लिए भी है, फटाफट आओ मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइब हो जाएंगे, मैं किसी एक लकी विनर को चुनूँगा, और रेंडमली कोई भी हो सकता है, और उन्हें रॉयल पास की UT मैं अपने तरफ से गिफ्ट करूँगा। तो जब भी मैं बता रहा था कि जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ उस समय मेरा गेम बहुत गंदा हो जाता है, पता नहीं नर्वस हो जाता हूँ क्या है, लेकिन उस समय मैं 7 किल 6 किल 5 किल पे मर जाता हूँ, और चिकन डिनर उसमें मिलता है जिसे मैं फ्रस्ट्रेट होकर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। तो 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अपना चिकन डिनर वाला वीडियो जल्दी ही दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये नया रॉयल पास आ चुका है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये रॉयल पास आपको कैसा लगा है, और आप प्लीज़ अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी आपके पास चांस ज़्यादा है। 100 पीपल्स के अंदर ही मैं सर्च करूँगा, चूज़ करूँगा। तो चलो देर नहीं करते और सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। मुझे सब्सक्राइब चाहिए भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस बार प्रॉमिस है चिकन डिनर वाला ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।